नहीं, लास्ट टाइम मैंने श्रेया को गुंडों से बचाया। मार तो दिए, 10 रन ओवर में मार तो दिए थे भाई। इतनी फनी सिचुएशन हो गई। यार ये पंजाबियों का ना मुझे समझ में नहीं आता है। और भाई एनिमल का ट्रेलर देख के लग रहा। Hey guys, welcome to another vlog. Last night मैंने श्रेया को गुंडों से बचाया। And she's a thankless person. पूरा रात को मैंने ऐसे गुंडों से पूरा बचा दिया, पता है एकदम अकेले लड़के। हाँ, और श्रेया की नींद तोड़ गए। मैं सो रही थी, गौरव किए जा रहा है। तो नहीं कर रहा था, कर रहा था। हाँ, तो मुझे लगा कुछ तो चल रहा है इसके सपनों में, तो मैंने ऐसे इसके ऊपर हाथ ऐसे रखा, फिर मतलब ऐसे घूम के, फिर लाइक काइंड ऑफ आदमी, तो मुझे समझ में आ गया शायद कुछ मेरे से रिलेटेड ही होगा। तो फिर सुबह उठ के बोलते हैं मैं आपको गुंडों से बचा रहा था। और बताइए, एंड यू थैंकलेस पर्सन, कल रात को गुंडों से बचाया, तमीज भी नहीं। क्या तमीज, क्या करना चाहिए तुम्हें बताओ? एक तिलक अभिषेक करो। तिलक अभिषेक होगा तुम्हारा, बिल्कुल होगा। इस लास्ट व्लॉग में सब पूछ रहे थे क्या हमने लाला लैंड देखी। हमने देखी और गौरव को बहुत पसंद आई है ना, वो अच्छी पिक्चर है। उन्होंने करना ठीक है। इस बार भुजंगासन, पर्वत जंप फॉरवर्ड, अभी एक आसन करेगा तो वो। अरे वाह नोनो, ये तो अच्छा। अभी आप इसकी वीडियो बना लेना, ठीक है नोनो? इसी सिर पे डाउन एक्सेल। अरे जावड़ा पूरा नीचे यार, तुम भी खड़े हो गए, फिर उसमें से चोट लगी, फिर आपको नहीं बोलेगा ना, हमें बोलेगा। बट ये था बस, यही था बस, जाओ। ये तो कुछ था भी नहीं सर, इंटरनेट पर तो इससे कितना ज्यादा होता है, तो हमें क्या मतलब है उससे। घुटने गए किसको बोले? नहीं देख रहे। Hi guys, welcome to the vlog. आज का vlog जो कि है वो बहुत important है, और वो आपको श्रेया बताएगी क्यों important है। क्योंकि this is the vlog just day after we lost World Cup final. उसकी बात ना ही करो तो अच्छा है श्रेया, वह मेरे दिल में चुभती है वो बात आज भी। किस तरीके से रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल रहा था, पर वो एक शॉट क्यों खेला भाई? मार तो दिए 10 रन ओवर में मार तो दिए थे भाई। भाई मैं आपको सच बताऊं, देखो सबका फेवरेट प्लेयर अलग अलग होता है, मेरा बचपन से रोहित शर्मा ही है, पता है। जब से जैसे अब तो चलो कैसे बताऊं, जैसे पहले सबको पता ना रोहित शर्मा ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब उसकी एक जब वो शॉट मारता था ही ऑलवेज हैड दैट 1 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा। अब नहीं है, अब जैसे अब प्रॉपर टाइम पे मारता है, बट व्हेन ही स्टार्टेड जब यंग था एकदम प्रॉपर, तब उसके पास हमेशा 1 मिलीसेकंड एक एक्स्ट्रा रहता था, मतलब रुकता था और पट मारता था। अब जैसे लेके मारते थे सीधा, पर मेरे को तो सबसे ज्यादा विश्वास पता उसी पे होता है, बस उसका वो होता है कि तर बचाओ और भागो, मतलब 50 को 100 150 में कन्वर्ट हो सकते थे यार। ओनली पर्सन हु कैन कन्वर्ट 50 into 150 इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज इधर जैसे ही वो 41 पे आया ना, जैसे चक्का मारा 35 का चक्का मारा था शायद ना, जैसे 41 पे आया ना या 43 पे समथिंग, मेरे को मेरा पता, मैं चुप बैठ गया एकदम। मैंने कहा ये भगवान 60 पार करवा दो, कुछ भी करके प्लीज 60 पार करवा दो, क्योंकि एक बार 60 पार हो जाए ना फिर मेरे को था फिर ये मारेगा लंबा। पर भाई 47 में सोच ही रहा था और भाई ने मार दिया। नहीं हाँ, 41 के बाद छक्का मारा था 47 अगली पे, फिर भैया को छक्का चाहिए था पता नहीं क्यों, पर ठीक है चलो यार, उधर रहता है मैच है, बाद आएगा फिर 4 साल के बाद आएगा, पर ठीक है। अनबीटेबल कहाँ चलती है इंडिया, बीच में एक झटका तो देती है। मैंने लेकिन मुझे लग ही रहा था पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने सबका कॉन्फिडेंस, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा है फुकार टीम तो है, एक्चुअली उनका कल्चर ही है ना थोड़ा हिल ही जाता है, मतलब वो तो फिर भी प्लेयर्स थे, हम तो एज ए स्पेक्टेटर ही, हमें थोड़ा सा वो आ गया था कि यार पता नहीं जीतेंगे नहीं। नहीं नहीं, इंडिया भी स्ट्रांग थी, पर तो बस इट्स जस्ट वो नर्व्स नहीं मेंटेन कर पाए उस टाइम पे। ठीक है, इट्स ओके, न्यू वीडियो इज आउट। प्लान है आगे बनाना, आज दोस्तों से मिलने जाऊंगा यार, मैं बड़े दिन से दोस्तों से नहीं मिला, एंड आई रियलाइज दैट यू नो बीइंग अ सोशल पर्सन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, and you should be social, you should keep going and meeting your friends. If you have not met your friends for a long time, just go and meet them, okay? Bali unko office chale jao. To main aaj apne friends se milne ja raha hu, I think I'll go and meet Khattar, and aaj par pet bhi thoda theek lag raha tha, aaj paratha kha ke aaunga aunty ke haath ka. Gobi phir mat kharab kar lena yaar tu apna pet. Mere ko wahi lag raha hai, pata mera peene ka man ho raha hai aaj. Gobi mat kar yaar please. Maine pata band kari hui hai, par main nahi piunga. Gobi tune bola tha India jeetegi to piunga, ab nahi jeeti to shayad Indian team ne tumhare liye ye sacrifice kiya hai. Acha Indian team mere liye sacrifice kar rahi hai. Yeah.
नोट कर लिया था कल अपना पता। एक चीज गाओ आप लोगों को, वेयर इज द टोन ब्रो, इट्स जस्ट गोना गो इन सम डेज, इट्स कमिंग ऑन मी ब्रो, मैं ला रही हूं टोन। कहां गया? गैस खुली हुई थी यहां पे, गैस खुली हुई थी, मतलब कौन सी वाली? कौन सी वाली? कितनी गैस वाली करो? तो वो भी ये भी खुला हुआ था। हाँ ये खुली हुई थी, ये थोड़ी सी पता है जैसे इतनी, वो तो मेरे को मैं बताऊँ क्या, वो ना साफ कर रही होगी ना तो वो दब जाता है पता है। खा ले खास खास बनी है करनी, कुछ प्रोटीन खा ले। वो क्या बनाया दिखा ना, बाप रे पूरे मोहल्ले के लिए बनाया क्या इसने सब्जी? किसके लिए सबके लिए बनाया दिया, आज मैं खाऊंगा भी नहीं। एक बार बंद करना यार, अपने ये यूज करते हैं अपने ये जो लाए हैं वो होता है उस पे लग रहा है कुछ ऊपर, क्या देखो कटोरी पे कुछ नहीं लग रहा है, वो सफाई से वो लगता है वाइटनेस आ जाती है, लग क्या रहा है, ये अच्छे साफ नहीं किया उसने, ये इसका यही होता है ना। दिखा लूं मैं स्प्राउट्स? खा ले तेरे लिए तो बिगाया है। गुबी पता है मैं क्या आया दिवाली गिफ्ट में? दिस जो कि हमारे पार्टी में लिखा किसने दिया? ये पूरा सेट आया ना कॉकटेल मिक्सर और ये श्रेया का फैशन सेंस एंड स्टाइलिंग ऐसी हो रखी है जैसे हम पांच की काजल भाई नहीं होती थी ऐसे पहन के बाहर निकलते यार बताओ। हम पांच पम 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 पांच शायद थोड़ा तो पांच शायद थोड़ा तो डंग का कपड़ा पहन लिया करो यार। गाइस क्या आप लोगों ने ये वाला कॉम्बिनेशन कभी खाया, हलवा और पापड़? चावल का हलवा नहीं, आटे का हलवा और पापड़। आटे का हलवा और मूंग दाल का पापड़ बहुत सही लगता है। देखिए क्या मीठा और नमकीन का जो वो है ना कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है। आप ये हटाओ मैं खिचड़ी खा के आया हूं। मुझे भी लग रहा है मैंने देखी हुई है मूवी, पर कोई की मूवी ऐसी नहीं होती जो आपको लगता है आपने देखी हुई पर आपको एंड नहीं पता होता उसका, या जब मैंने स्टार्ट किया जब मैंने रेंट कर लिया उसके बाद मुझे याद आया। ये एक नंबर की बात देखो। छोटी सी तो है, उठा के पटक देगा ना वो, इसको छोड़ो किसी दिन, इसको ना किसी दिन गोल्डन रिट्रीवर के घर में छोड़ो तब जाके इसको समझ आएगा। दिन झपट्टे में आएंगे उसके। मैं आपको आज अपना सुबह का वेट दिखाऊं? क्या दिखा है? सुबह का वेट। सुबह का वेट? हाँ दिखा। मजेदार था एकदम। इतना ही तो था गोभी? 69.9 था लास्ट। तो क्या रहता है 500 ग्राम से कुछ नहीं होता है। अच्छा अपना देख लो। डू नॉट बॉडी शेम मी ओके? बॉडी शेम? इफ आई पुट दिस ऑन इंटरनेट नो यू विल बी गॉन ओके? यू पुट दिस ऑन इंटरनेट एंड यू फील अशेम्ड। व्हाट इज दैट? नॉर्मल हो यार, नॉर्मल लग रही हूं उसमें क्या है? नॉर्मल या अनफिट हो रही हूं आज। अभी हटो मैं नाक निकालने है। मॉरल हाई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। 4 दिन एक्सरसाइज कर लिया। 4 दिन नहीं 2 महीने। हां राधा की होंदे मेरे को नाक निकालनी है श्रेया। मैं तो इतना डिसिप्लिनड हूं, निकाल ले ऑडियंस के सामने। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं श्रेया थोड़े श्रेया बहुत लोग तो एक तो नहीं पूछते। Listen, you do not interrupt me in between whenever I am speaking anything. Okay. बोलते हैं मुझे बहुत हाँ. कि थोड़े home decor tips. In fact, बहुत लोग बोलते हैं Shreya get into interior designing. Yeah, yeah. Home decor tips. गुबी यही तो joke था मेरा. क्या joke था? जो फिर से कर लो sorry. Home decor. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं Shreya थोड़े home decor tips दो, तो मैं देना चाहती हूँ। अपने बेडरूम में सबसे बेड रहे नहीं रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कीप अ स्टूल, ऐसी कुछ ऐसा एक जिसमें तुम आके अपना कपड़े का ढेर बनाते रहो। अगर आप सिंगल हो तो आप बेड की दूसरी वाली साइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अगर कपल हो तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब लोग बोलेंगे श्रेया दरवाजे के पीछे भी देखो, बट दरवाजे के पीछे तौलिए भी तो लगाने होते हैं ना, तो आप कपड़े कहाँ रखोगे? एक हफ्ते पहन के आ जाते हो और आपको पता नहीं होता कि ये अब धोने में डालूं या ये कल मैं दोबारा पहन सकता हूँ। हाँ स्टूल होना जरूरी है। मैंने देखा है, मैंने पहले किया था विदाउट द स्टूल। एक ऐसे कपड़े लेके ना चेंज करने के बाद आप घूमते रहते हो कि यार कहाँ रखें इसे, कोई रखने की जगह ही नहीं मिलती है। तो दिस स्टूल इज वेरी नेसेसरी। सो दिस इज माय फर्स्ट होम डेकोर टिप। ऐसे टिप्स मैं देती रहूंगी, ठीक है? इन द कमिंग व्लॉग। और नरेंद्र मोदी डिमांड किया है क्या? किससे? अरे वो ICICI बोल रहे हैं। ICICI बैंक से? ICICI वर्ल्ड कप फिर से होगा, बेईमानी से जीता है। अच्छा क्या सच्ची सच्ची बोल रही है? कहाँ से देखा आपने ये?
अरे इसी में रील दिखा रहा था उसमें। अच्छा, इसने नरेंद्र मोदी ने बोला है? नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला है, तो बॉल कोई और रहा था। रोहित शर्मा आउट नहीं था, बॉल नीचे लग गई थी, फिर उसको आउट क्यों दिया। अच्छा ओके गाइस, सी यू गाइस इन वर्ल्ड कप फाइनल। कितने क्यूट है आप। नागपाल के छोले भटूरे, नागपाल के छोले भटूरे खाए जा रहा है, लस्सी पी जा रही है। रूबी को लग रहा है एक बाइट लूंगा, एक बाइट में जितना आ सकता है खींच लूंगा ना। वो भी कुछ तो लिमिट होती है ब्लॉग में। गोपीज में क्या है, नॉर्मल चीज है? नहीं, इट्स नॉट एनी, यू आर प्रमोटिंग इट, नो पूरी दुनिया देख रही है। तो पर मैं ये तो नहीं बताऊंगा इतने वालों क्या। गाइस इतनी फनी सिचुएशन हो गई। ऑफ लेट अगर आपने गौरव का इंस्टाग्राम देखा होगा तो इसने इतने ज्यादा मैनफोर्स के एड्स किए हैं कि अब हमारे पास तीन कैसे यूज करे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इसका गिव अवे कर दूं मैं। तो दोस्त जो जो अपने अपने वीडियो भेजेगा वीडियो मंगा के गिव अवे। गौरव भाई मेरे को बहुत जरूरत है ये चीज। तो इसका दोस्तों अब गिव अवे स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 30, 50 लकी विनर्स को एक एक कंडोम मिलेगा हमारी तरफ से। वो गाय था ये देख रहे मोए मोए मोए। अंदर और है वैसे। हाँ थोड़ा और अंदर है देख। नहीं निकाल लिया सर, एक वो गिव अवे कर दिया था ना। अच्छा कर दिया था क्या? तुम फ्रेंड आए थे तो कर भाई दियो, जरा जरूरत पड़ जाती है। मैं कहा मुझे पता है तेरे को तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के लिए जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों धीरे धीरे लाइफ टफ हो गई है, एकदम उम्र बढ़ती जा रही है। रात को जब शाम में चिकन टिक्के कबाब हुआ करते थे उसकी जगह सूप बनने शुरू हो गए घर में। बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट विंटर्स इज ग्रीन वेजीज आपको बैंगलोर निकल में चंडीगढ़ जा रहा हूँ। मुझसे लोग पूछते गौरव कहाँ है तो मुझे पता ही नहीं होता कहाँ होता है वो। मैंने कहा होगा कहीं, तो उनको पता है जज करते कैसी वाइफ है, इसको पता भी नहीं इसका पति कहाँ है। क्या पता यार, कभी चंडीगढ़ कभी बैंगलोर कभी मुंबई, इधर उधर मेरे को समझ में नहीं आता। चंडीगढ़ जाऊंगा, चंडीगढ़ लैंड करूंगा, फिर हरियाणा में एक जगह जाऊंगा पंचकुला से आगे, वहाँ शो करूंगा कोई कॉलेज शो है, फिर वापस आ जाऊंगा रात की फ्लाइट लेके 9:30 की। ठीक है तो मैं तुझे कल बाजरे की खिचड़ी खिलाऊंगी। बाजरे की खिचड़ी, मैं गौरव के लिए, उसका गला बैठा हुआ है तो मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ। एक दिन बना, मुझे थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स भी तो इकट्ठे करने हैं जो पिछले दो ब्लॉग में सबने बोले श्रेया काम चोरा बोल बोल के जो मेरी बेइज्जती करी है सब। बनाओ जरा। तो इसमें मैंने डाला है गाइस, सूप में डाला है मैंने टमाटर डाला है, मैंने पालक डाला है, मैंने लौकी डाली है थोड़ी सी, थोड़ा सा बीटरूट डाला है, और एक थोड़ा सा फ्लेवर के लिए दो कली लहसुन की। ठीक है अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, उसके बाद मैं इसको वो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैश ग्राइंड कर लूंगी। यार ये पंजाबियों का ना मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ भी हो रोटी तो चाहिए, रोटी दे दो बस, हैं एंड में बस रोटी चाहिए, बट कुछ तो वीट का कुछ चाहिए। हमारा अच्छा है ईस्ट के लोगों का, कुछ भी खाको के रह जाते हैं। मुझे पता था तो यही कुछ बोलने वाला। सो द सूप इज रेडी गाइज, आई जस्ट एडेड अ डलप ऑफ बटर इन इट and a little bit of salt, that's it, and I can tell you it's tasting awesome. ये जो बनाया है इसको भी तो खा, उसके बाद यही है वो हजम तो आएगा। वॉक पे 12 बजे मैं नहीं जा रही हूँ, सॉरी। हे गाइस, भाई मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ना शायद सालों, वो भी कैमरा मेरे तरफ है, ओ सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ मैंने शायद सालों, मतलब शायद मैंने बहुत ज्यादा सालों से कोई पिक्चर देखी नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता पिक्चरों में, एक रुपए का इंटरेस्ट नहीं है मेरा। पर भाई एनिमल का ट्रेलर देख के लग रहा है ये तो देखनी पड़ेगी। मुझे बोल रहा देखने चलो, मैंने कहा मैं इतनी मारधाड़ नहीं देखूंगा भाई। नहीं मारधाड़ नहीं, वो इतना जो फर्स्ट सीन की जो एक्टिंग है उसकी जो ट्रेलर में, एनिमल की ट्रेलर और उसका वो जो गाना भी अर्जुन वैली, भाई एनिमल दे रहा है फील। मुझे तो बॉबी देओल मस्त लग रहा है। हां मस्त, आई थिंक रणवीर कपूर डिजर्व्स अ कमबैक लाइक बॉबी देओल। पर रणवीर कपूर भी तो खा रहा है एकदम फर्स्ट सीन में, एकदम एक्टिंग एक्टर का फर्स्ट सीन होनी है पापा 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 वाला हराम सुनाई दे रहा हूँ तेरी तो। ये क्या बदतमीजी है। गाना भी इतना सही है ना अर्जुन वैली, जाएंगे देखते थे। इसके बाद अगर पिक्चर हक दी ना भाई
इतना टेम्पो बना के हग मत देना प्लीज. इट वाज द एंड ऑफ टुडेज़ व्लॉग. आई होप यू लाइक द व्लॉग. इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल. सब्सक्राइब कर दो यार. 5 लाख पहुंचने ही वाला है और 2073 में पहुंच जाएगा.